हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेनेट अंकिता। आज मैं आपसे विंटर सीडलिंग के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं आज विंटर सीडलिंग करके भी दिखाऊंगी कि कैसे विंटर सीडलिंग कब और कैसे करनी है, और मैं कौन कौन से सीड्स आज लगाने जा रही हूँ, मेरा पोटिंग सॉइल मिक्सचर कैसा होगा, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ ये शीट्स नर्सरी से परचेस करके लाई हूँ। ये है पेंजी, इसमें जो फोटो में फ्लावर्स दिख रहे हैं ये इसी कलर के बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं। और ये है एस्टर, इसमें भी इसी कलर के मिक्स फ्लावरिंग शीट्स है। और ये सीनेर एरिया है, इसमें भी इसी तरह मिक्स कलर के फ्लावर आते हैं। ये कार्नेशन है, इसमें भी इस तरह के फ्लावर्स आते हैं जो इसमें फोटो में दिखाए हुए हैं। और ये है पिटोनिया, ये भी मिक्स कलर शीट्स है, काफ़ी कलर्स होते हैं। और ये है एंथेरियम साल्विया का, इसमें भी मल्टी कलर शीट्स है, ये भी काफ़ी सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके भी। और ये है डेंथस, इसमें भी तीन कलर के फ्लावर्स आते हैं, रेड और ये जो आप मजेंटा कलर, व्हाइट कलर जो देख रहे हो, इसमें ये कलर्स आते हैं। तो चलिए इसके साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा पोटिंग मिक्सचर भी बता देती हूँ मैं साथ ही, कि मैं अपने पोटिंग सॉइल में क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे मैं अपना पोटिंग मिक्सचर बनाती हूँ। तो ये है मेरा पोटिंग मिक्सचर, ये जैसा आप देख रहे हैं ये मेरा पोटिंग मिक्सचर है। इसमें मैंने ये रिवर्स सैंड यूज़ किए, एक पार्ट ये रिवर सैंड का है, ये मेरा सॉइल है। इस सॉइल में भी खाद मिली हुई है, बट मैंने फिर भी ये अलग से वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ मैं। तो ये मेरा पॉटिंग मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर, जो मैं हर प्लांट में यूज़ करती हूँ। ये मेरा जो मैं बात कर रही थी पहले अपने वीडियो में कि सॉइल कौन सी होनी चाहिए, तो ये येल्लो सॉइल जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ खाद काउडंग मिली हुई है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। और इसी के साथ में मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ ये कुछ नीम खली है, नीम खली यूज़ करूँगी मैं, और सरसों खली यूज़ करूँगी मैं। अगर आपके पास नीम खली और सरसों खली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ यही पॉटिंग मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ऐसी होती है सरसों खली और ये होती है नीम खली। मैंने कुछ पाउडर फॉर्म में भी इसको मिला लिया है, ये नीम खली, और इसको पानी में मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी पानी में भी मिला दिया है मैंने थोड़ा सा। तो चलिए आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, और स्टार्ट करते हुए अपना वीडियो बताती हूँ कि मैंने कैसे इसमें पॉटिंग मिक्सचर बनाकर और ये शीडलिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और हाँ, मैं बताने जा रही हूँ कि मैं शीडलिंग आज एक थर्माकोल की शीट है जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल में पड़ी थी, उसमें मैंने एक थर्माकोल की शीट के अंदर एक ये पॉली बैग जो आटे का आता है वो मैंने यूज़ किया है, उसमें कुछ पंचेस कर लिए, नीचे कुछ होल बना दिए हैं, और इसी में मैं अपनी पॉटिंग मिक्सचर डाल के मैं अपना शीडलिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए मेरा वीडियो। यहाँ मैंने नीचे कुछ सॉइल मिक्स मिलाकर और नीचे बिछा दिया है, एक लेयर मैंने सैंड कोको सॉरी सैंड और सॉइल और ये वर्मी कंपोस्ट मिला के डाली है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है कोकोपीट। कोकोपीट के बिना शीडलिंग इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोकोपीट वाटर बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करती है। देख सकते हैं आप, मेरे पास ये कोकोपीट है और ये तैयार कोकोपीट है। अदरवाइज जो कोकोपीट का ब्लॉक आता है उसको अपन पानी में डालकर और बना सकते हैं, घर पर पानी में डालकर रखना पड़ता है। इसको मैं इस तरह से पूरे में फैला दूंगी, बहुत सारी कोकोपीट यूज आने वाली है इसमें, ये और कोकोपीट में इसमें इस तरह से ऐड करने जा रही हूँ।
और ये कोकोपीट की लेयर बिछा रही हूँ मैं इसमें। कोकोपीट बहुत नेसेसरी है क्योंकि शीडलिंग के लिए कोकोपीट बहुत ज़रूरी होती है। जब शीड अपनी फर्स्ट स्टेज पे होते हैं तो कोकोपीट में बहुत जल्दी वो बढ़ने लगते हैं। ये देखिए, ये कोकोपीट की मैंने लेयर बिछाई है और अब मैं वापस वही सॉइल और सैंड और खाद की लेयर बिछाऊंगी। ऐसे करके मैं इसका पूरा मिक्सचर तैयार करती हूँ, फिर आपको लास्ट वाला वीडियो में बताती हूँ। चलिए देखिए। तो ये मेरी पूरी इसकी सॉइल की लेयर बिछ चुकी है इस थर्माकोल की ट्रे में, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी एक तैयार हो गई। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये नीम खली और सरसों खली। मैं ये ड्राई ऐड करने जा रही हूँ ऊपर इस तरह से बिखेरते हुए इस तरीके से। और इसमें इसका कुछ पानी जो मैंने नीम खली और सरसों खली ऐड करके तैयार किया है वो मैं इसमें इस तरीके से इसको भी इसमें ऊपर ऊपर से पानी छिड़क दूंगी इसका, नीम खली और सरसों खली का, ताकि सॉइल भी थोड़ी मॉश हो जाए और जो मेरा मेन टारगेट है नीम खली और सरसों खली डालने का वो भी प्रॉपर पूरा हो जाए इसमें। तो ये मेरा ये नीम खली और सरसों खली मैं इसमें ऐड। तो मेरा सॉइल मिक्सचर तैयार है, इस तरह से मेरा पूरा ट्रे तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें पार्टीशन करके शीडलिंग करूंगी। तो ये देख रहे हैं आप किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथ में अभी सीजर थी तो मैं अभी सीजर से ये एक लाइन बना रही हूँ। इस तरीके से आपको एक लाइन बनानी है, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ऐसे आपको लाइन खींचनी है ऊपर से सॉइल के ऊपर से। इस तरह से आपको कुछ लाइंस बनानी है जिसमें आप शीट्स डालेंगे, ये इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने कुछ लाइंस बनाई है, 2 3 4 5 6। ये मेरे पास क्योंकि 7 शीडलिंग के हैं, शीट्स हैं 7 फ्लावर्स के, तो मैं इसमें 7 पार्टीशन कर रही हूँ, 7 लाइन बनाई है मैंने। और अब मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको कैसे शीट्स डालने हैं इसमें। तो ये है मेरा डेंथस के शीट्स निकालूंगी इसमें से मैं। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आएगा डेंथस, बहुत केयरफुली आपको इसमें से निकालना होगा क्योंकि ये मिक्स है, मिक्स फ्लावर शीट्स है, तो ये बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना है इसके साथ। ये दिखाती हूँ मैं कैसे होते हैं डेंथस के शीट्स। ये देखिए, ये है डेंथस के शीट्स। तो मैं यहाँ सारे यूज़ नहीं करूँगी एक बार, मैं जितने यूज़ कर सकती हूँ मैं उतने यूज़ करूँगी। अगर आप सारे यूज़ करना चाहें तो आप सारे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ डेंथस के स्प्रिंकल करूँगी शीट्स अंदर इस तरह से। आप देख रहे हैं, ये मैंने डेंथस के शीट्स यहाँ स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर कुछ बच जाते हैं तो आप साइड में ऐसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट हुआ है डेंथस। अब मैं नेक्स्ट के अंदर शीट्स स्प्रिंकल करूंगी, ये साल्विया के, तो ये साल्विया के शीट्स हैं। ये मैं इसमें नेक्स्ट लाइन में मैं साल्विया के शीट्स डालूंगी। आपको मैं एक एक करके सभी के शीट्स दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखते हैं और कितनी क्वांटिटी में आते हैं। आप नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, सब जगह मिल जाते हैं। ये है साल्विया के कुछ, ये इस तरह के इतने बारीक जो शीट्स होते हैं ये साल्विया के शीट्स हैं। ये इतने बारीक शीट्स होंगे साल्विया के। ये मेरी नेक्स्ट लाइन जो होगी, नेक्स्ट रो, ये मैं इसमें साल्विया के शीट्स ऐड करूंगी।
ये इस तरीके से शीट्स ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए, ऊपर ऊपर की लेयर में ही होने चाहिए, और ज़्यादा भी ऊपर नहीं और ज़्यादा भी डीप नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डीप होते हैं उतना देरी से निकलते हैं शीट्स। तो कोशिश करिए कि शीट्स ज़्यादा डीप ना डालें आप। तो ये मेरा हुआ, डेंथस हो गया, साल्विया हो गया। नेक्स्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये एस्टर। एस्टर के भी मैं आपको दिखाती हूँ बीज कैसे दिखते हैं। एस्टर के बीज ये इस तरीके के कुछ शीट्स होते हैं एस्टर के। ये एस्टर के शीट्स है जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं। ये मेरी थर्ड रो जो यहाँ पर है, ये मेरी थर्ड रो है। ये मैं एस्टर के बीज इसमें स्प्रिंकल करूंगी इस तरीके से। आपको दूर दूर स्प्रिंकल करने हैं बीज, ज़्यादा पास नहीं होने चाहिए, ओवरलैपिंग हो जाती है, और ओवरलैपिंग से कितनी बार बीज गल जाते हैं और ऊपर नहीं आते। तो ये मेरा एस्टर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपको जब आप बीज डाल देंगे उसके बाद हल्का सा फिंगर से इस तरीके से, ज़्यादा टैप नहीं करना है, उस रो को बंद कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से जैसे मैं अभी फिंगर से यूज़ करते हुए इसको बंद कर रही हूँ, इस तरीके से आप इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए आपको बस इस तरीके से बंद करना है। नेक्स्ट मैं जो यूज़ करने जा रही हूँ वो है पेंजी। दिस इज माय पेंजी शीट्स। ये मेरा पेंजी है, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं पेंजी में। आपको इसके भी मैं दिखाती हूँ पेंजी का भी। ये इस तरीके के ब्राउन कलर के बिल्कुल छोटे छोटे से शीट्स होते हैं। ये पेंजी के शीट्स हैं, मैं सारे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शीट्स काफ़ी कम हैं और ज़्यादा होते हैं तो कुछ एक दो पौधे निकल जाते हैं, सारे पौधे नहीं निकलते हैं जितने बीज होते हैं। तो यहाँ मेरी फोर्थ रो में मैं ये पेंजी के बीज इस तरीके से स्प्रिंकल करूँगी, इस तरीके से पेंजी के ये दूर दूर स्प्रिंकल करना है, जितना हो सके बीज दूर होने चाहिए। इस तरीके से ये पेंजी का डाला और ये एक फिंगर से बस दोनों साइड जो सॉइल है उसी को अंदर ऐड करनी है। एक्स्ट्रा सॉइल मैं ऊपर नहीं ऐड कर रही क्योंकि बीज शायद दब जाएंगे इससे। और ये है मेरा थर्ड रैक रो जिसमें मैं पिटोनिया के बीज ऐड करने जा रही हूँ। ये पिटोनिया है, ये मैं पिटोनिया के शीट्स ऐड कर रही हूँ इसमें इस तरीके से। ये पिटोनिया के भी दिखाती हूँ मैं आपको शीट्स कैसे होते हैं पिटोनिया के। काफ़ी बारीक शीट है पिटोनिया के, ये देखिए काफ़ी बारीक, राई के दाने से भी बारीक शीट है। ये रहे पिटोनिया के शीट्स। ये मैं यहाँ, ये मेरी फोर्थ रो में मैं पिटोनिया डालने जा रही हूँ। ये इस तरीके से मैंने इसमें पिटोनिया के बीज स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये पिटोनिया है फोर्थ रो में। फिफ्थ रो में ये ये फिफ्थ रो थी, ये सिक्स्थ में यूज करने जा रही हूँ। सिक्स मेरे सेनेरेरिया है, ये सेनेरेरिया इस तरह से होता है, इसका भी यूज करने जा रही हूँ मैं। इसके भी शीट्स आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कुछ लकड़ी के बिल्कुल बारीक टुकड़ों की तरह होते हैं इसके शीट्स, काफी बारीक होते हैं। अगर आपके घर पे ये लग रहे हैं तो आप इसके शीट्स इस तरह के होते हैं निकाल सकते हैं। ये देखिए एकदम इस तरीके से इनको स्प्रिंकल करते हुए लास्ट तक, कुछ बचे हुए बीच में इस तरीके से
अब ये इसको भी इस तरीके से टैप करते हुए बंद करना है। ये मैंने इसको बंद करा। ये लास्ट वाली रो में मैं, ये लास्ट है एस्टर के शीट्स, ये एस्टर के शीट्स मैं अब डालने जा रही हूँ। ये एस्टर के शीट्स है, कलरफुल फ्लावर्स के लिए बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं एस्टर के। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा है एस्टर के शीट्स, तो मैं कम यूज़ कर रही हूँ और बाकी मैंने बचा लिए हैं। और इस तरीके से ये एस्टर के शीट्स डालते हुए इसकी भी आप इस तरह से सॉइल ऊपर हल्के हाथ से प्रेस करते हुए डाल दीजिए। ये कुछ एक दो शीट बचे मैं यहाँ लास्ट कोने में डाल रही हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से शीडलिंग की है। अब इसमें मैं टैग्स लगाने जाऊंगी। अगर किसी को पता ना हो कि कौन सा फ्लावर किसका है, कौन सा किसका है, तो आप तुरंत ऐसा कीजिए कि आप तुरंत इसमें नेम टैग्स लगा दीजिए। जैसे मैंने ये कुछ कार्डबोर्ड के नेम टैग्स बनाए हैं, इस तरह से आप नेम टैग्स बनाकर उसी के ऊपर ऐसे नेम टैग लगा दीजिए ये। और कुछ दिन इनको शेड में रखना होगा, बारिश का टाइम है। और अभी आज डेट है 4 सितंबर, विंटर शीड का बेस्ट टाइम होता है सितंबर में शीडलिंग करना। आप 15 सितंबर तक शीडलिंग कर सकते हैं विंटर के फ्लावर्स की। मैं आज 4 को ही कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी इसमें पौधे निकल आए और फ्लावर्स जल्दी से जल्दी दें। तो मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ टैग्स। शीडलिंग हो चुकी है इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें पानी कैसे और कब देना है। इसको पहले तो आपको शेड में रखना है, इसको आपको बारिश के पानी में या बहुत ज़्यादा धूप में नहीं लग रखना है। तो इस तरीके से एक वाटर स्प्रे बॉटल से आपको सिर्फ हल्का हल्का सा पानी इस पर स्प्रे करना है, इस तरह से जिस तरह से मैं स्प्रे कर रही हूँ। आपको सिर्फ उस पर स्प्रे मारना है पानी का रेगुलर। जब भी ऊपर की मिट्टी हल्की सी ड्राई लगे आपको, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ऐसे वाटर स्प्रे करें। वाटर स्प्रे करने से मॉइस्ट रहेगी मिट्टी, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो सब गल जाएंगे। बस स्प्रे कर। तो ये मैंने सारे शीट्स इस तरीके से जमा दिए हैं। अब मैं इनके टैग्स बताती हूँ आपको, मैंने टैग्स कैसे यूज़ किए हैं। तो ये मेरा डेंथस जो मेरा फर्स्ट वाला था, तो यहाँ मैं साइड में फर्स्ट रो के ऊपर इस तरीके से ये डेंथस लगा रही हूँ। और ये मैं पैकेट हटा रही हूँ इसका मेरे को। और नेक्स्ट वाला सेकंड मेरा था ये साल्विया एंथेरियम, और ये सेकंड रो के ऊपर मैं इसे इस तरीके से ये लगाने जा रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो थी, ये मेरी सेकंड रो है। और ये मेरा थर्ड, एक्चुअली मुझसे प्रॉब्लम मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने पहले वीडियो में बोल दिया कि वो एस्टर था, सॉरी वो कार्नेशन था। एस्टर और कार्नेशन एक जैसे फ्लावर होते हैं, तो थोड़ा सा सॉरी नाम मिस्टेक हो गई। तो ये थर्ड है कार्नेशन, तो ये मेरा कार्नेशन का ये रहा थर्ड रो कार्नेशन की। और ये रही मेरी फोर्थ रो पेंजी की, तो यहाँ मैं इसका पेंजी का टैग लगाऊंगी। और ये मेरा फिफ्थ है पिटोनिया, ये फिफ्थ है पिटोनिया, तो मैं इसके ऊपर यहाँ इस तरह से फिफ्थ पिटोनिया का लगाने जा रही हूँ। और ये मेरा सिक्स नंबर है सिनेर एरिया, जो मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ सिक्स नंबर पर। ये रहा मेरा सिक्स रो, यहाँ ये खत्म होता है। और लास्ट वाला एस्टर है, एस्टर एक्चुअली लास्ट है, ये एस्टर है, ये मेरा लास्ट रो में यहाँ ऊपर मैं इस तरीके से इसका टैग लगा दूंगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, मेरा ये शीडलिंग का आज का पूरा हो चुका है। इस तरीके से ये मैंने शीट्स लगाए हैं और एक एक को मैंने इस तरीके से टैग भी लगा दिए, ताकि जब पौधा निकले तो डाउट ना हो कौन सा पौधा कहाँ है, कौन सा है, किसका है। और जैसे ही इसको कब निकालना है और बड़े पोर्ट में ट्रांसफ़र कब करना है, यह आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगी। जैसे ही इसके पौधे आते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका अपडेट दूंगी और बताऊंगी कि कितने बड़े होने पे इसके पौधे आप बड़े पोर्ट में लगाएं। तो सितंबर मंथ में आप विंटर शीडलिंग कर सकते हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसके पौधे निकल आएंगे, 10 डेज में पौधे निकल आएंगे, तो आप अभी ये शीडलिंग कर सकते हैं। विंटर शीड्स परचेस कर लीजिए ऑनलाइन या नर्सरी से। तो
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके जब भी प्लांट्स निकलते हैं मैं आपको इसके प्लांट्स भी दिखाऊंगी और इसको बड़े पोट में कैसे शिफ्ट करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।